अखिलेश यादव फुटबॉल के शौकीन हैं, इसलिए उनकी चाल हमेशा फुटबॉल के उस कैप्टन की तरह होती है जो अपने बेस्ट स्ट्राइकर बैकफुट और फॉरवर्ड में तैनात करके रखता है और जैसे ही मौका मिलता है वो सारे प्लेयर पेनल्टी को गोल में बदल देते हैं। आज हम आपको टीम अखिलेश से मिलाएंगे। अखिलेश के इस टीम में फॉरवर्ड, स्ट्राइकर और विंगर तो है ही, साथ ही इस टीम में बेस्ट गोल कीपर भी है। इसमें से कोई रेडियो जॉकी है तो कोई अखिलेश यादव का लंगोटिया यार। आज उन छह किरदारों पर चर्चा करेंगे जिसके बगैर अखिलेश कोई डिसीजन नहीं लेते। हम आपको अखिलेश के खासम खास के नाम बताएं, लेकिन उससे पहले आपको इस टीम की खासियत जान लेनी चाहिए। अखिलेश के छह सच्चे सिपहसालार हैं। अखिलेश हर बड़े फैसले में इन लोगों से राय मशविरा करते हैं। इनकी सलाह के बगैर समाजवादी पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो यादव परिवार के झगड़े के वक्त अखिलेश यादव के साथ साए की तरह रहे। इसमें सबसे पहला नाम है सुनील साजन का, सुनील सिंह यादव उर्फ सुनील साजन। सुनील साजन का जन्म 16 फरवरी 1981 में उन्नाव जिले में हुआ था। वो 2016 में उन्नाव सीट से एमएलसी बनाए गए। उनका कार्यकाल वर्ष 2022 तक है। अखिलेश यादव की सरकार में वो डेयरी और दुग्ध राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी करने वाले सुनील सिंह साजन अखिलेश के खासम खास हैं। फिलहाल वो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। सुनील साजन ने 1 अक्टूबर 1998 को समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। वो पहले कॉलेज के दिनों में स्टूडेंट राजनीति में एक्टिव थे। वहीं से वो अखिलेश यादव के साथ जुड़े और अखिलेश उन्हें राजनीति में लेकर आ गए। 26 अप्रैल 2005 को सुनील सिंह साजन को समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 10 दिसंबर 2010 को उन्हें समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। छात्र जीवन में मायावती सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से उन्हें 19 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। इसी विरोध प्रदर्शन में अखिलेश यादव पहली बार राजनीतिक तौर पर धरने में शामिल हुए थे। तब सुनील साजन साय की तरह उनके साथ मौजूद थे। फिलहाल सुनील सिंह साजन समाजवादी छात्र मोर्चा के प्रेसिडेंट भी हैं। दूसरा नाम है आनंद भदौरिया का। आनंद भदौरिया का कद समाजवादी पार्टी और अखिलेश की नजर में कैसा है आप बस एक कहानी से समझ जाएंगे। ये कहानी साल 2012 की है जब अखिलेश को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए एक टीम बनाई गई। इस टीम में अखिलेश के खासम खास लोग थे। फ्रंट फुट पर टीम के कप्तान भले ही अखिलेश यादव थे, लेकिन बैक डोर से इस टीम के दिमाग के तौर पर काम कर रहे थे आनंद भदौरिया। इस टीम में आनंद भदौरिया को अखिलेश ने खासी जिम्मेदारी दे रखी थी। भदौरिया हर सभा में लोगों के रिएक्शंस और लोगों के रुझान नोट करते और इसकी जानकारी अखिलेश तक पहुंचाते। यही नहीं, कहते हैं अखिलेश के नाम को लेकर पार्टी के भीतर किस तरह की बातें चल रही थी आनंद भदौरिया इसकी मुखबिरी भी करते थे। आनंद भदौरिया जाति से ठाकुर हैं, वो सीतापुर के रहने वाले हैं। बातचीत में मृदुभाषी और अपनी इसी कला से वो किसी को भी फौरन प्रभावित कर लेते हैं। आनंद भदौरिया का नाम तब लोगों की जुबां पर चढ़ा जब लखनऊ के डीआईजी डीके ठाकुर को बूट से रौंदा जा रहा था। उनका चेहरा उसी वक्त अखबारों में सुर्खियों में आया। हालांकि बाद में आनंद भदौरिया को समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं। वर्ष 2016 में उन्हें निर्विरोध एमएलसी चुना गया। आनंद भदौरिया और सुनील सिंह साजन अखिलेश के कितने करीबी हैं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2017 में जब पार्टी पर कब्जे को लेकर चाचा शिवपाल और अखिलेश में लड़ाई हुई तो भदौरिया और सुनील साजन पार्टी से बाहर निकाल दिए गए। ये कार्रवाई शिवपाल यादव ने की, जिस पर मुलायम सिंह यादव ने हामी भरी थी। इसके बाद अखिलेश मुलायम से भी दूरी बना बैठे और उनके जन्मदिन पर सैफई में हो रहे महोत्सव में पहुंचे ही नहीं। संजय लाठर। 2017 में पार्टी के झगड़े के बीच संजय लाठर के खिलाफ भी शिवपाल ने एक्शन ले लिया। अखिलेश को ये बात पसंद नहीं आई। उसके बाद अखिलेश ने रथ यात्रा निकालने का फैसला किया।
कहा जाता है कि इस रथ यात्रा की पूरी रूपरेखा संजय लाठर ने ही खींची थी। अखिलेश की सभाएं और उनकी रथ यात्रा कहां कहां जाएगी, कहां अखिलेश रुकेंगे और अखिलेश कहां पर क्या बोलेंगे, ये सब कुछ संजय लाठर तय करने लगे थे। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि संजय लाठर ही अखिलेश के पॉलिटिकल कार्यक्रमों को तय करते हैं। फिलहाल संजय लाठर युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजय लाठर ने मास कम्युनिकेशन से PhD की डिग्री हासिल की है। कहा जाता है कि 2012 में अखिलेश की जीत के पीछे भी संजय लाठर का अनुभव ही काम आया। उदयवीर सिंह और अखिलेश की दोस्ती 35 साल पुरानी है। धौलपुर की मिलिट्री एकेडमी में अखिलेश यादव और उदयवीर सिंह ने एक साथ 6ठी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। हालांकि 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिलेश विदेश पढ़ने चले गए और उदयवीर सिंह ने JNU में दाखिला ले लिया, जहां से पॉलिटिकल साइंस में उदयवीर सिंह ने PhD की डिग्री हासिल की। उदयवीर सिंह ने JNU में समाजवादी छात्र सभा की बुनियाद रखी। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो एक प्रोफेसर बन गए। कहा जाता है कि साल 2000 में राजनीति में अखिलेश का साथ देने के लिए उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो गए। वर्ष 2009 में उदयवीर सिंह को फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ रही अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के इलेक्शन कैंपेन का काम संभालने को मिला। हालांकि डिंपल चुनाव हार गईं, लेकिन उदयवीर पर अखिलेश का भरोसा बढ़ता गया। अखिलेश ने कुछ सालों बाद ही उन्हें पार्टी का MLC बना दिया। उदयवीर सबसे ज्यादा लाइमलाइट में तब आए जब यादव कुनबे के झगड़े में उन्होंने अखिलेश का साथ दिया और साधना गुप्ता और शिवपाल के खिलाफ मुलायम को एक शिकायती चिट्ठी भेज दी। उदयवीर सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि घर के झगड़े की सबसे प्रमुख वजह अखिलेश की सौतेली माँ साधना गुप्ता है। उदयवीर ने परिवार के झगड़े को समाजवादी पार्टी के पतन का कारण बता दिया और आरोप लगाया कि शिवपाल अखिलेश की बढ़ती लोकप्रियता से चढ़ रहे हैं। पारिवारिक झगड़े के बीच उदयवीर सिंह लोगों को घूम घूम कर साधना गुप्ता के रोल को समझाते रहे। और तो और, उदयवीर ने मुलायम सिंह यादव को भी नसीहत दे दी कि अखिलेश के रास्ते से वो हट जाए। बाद में उन्हें समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। लेकिन पार्टी में जैसे ही अखिलेश का दौर आया, उदयवीर फिर से समाजवादी पार्टी के हो गए। राजेंद्र चौधरी और मुलायम की दोस्ती को राजनीतिक पंडित भी आज तक समझ नहीं पाए और कम करके आंकते रहे। लेकिन कहते हैं ये दोस्ती उस ब्लेंडेड शराब की तरह है, जो जितनी पुरानी होती जाती है उसका रंग उतना ही ज्यादा होता है। राजेंद्र चौधरी पिछले 30 साल से मुलायम के साथ हैं। कहते हैं राजेंद्र चौधरी मुलायम सिंह यादव के वो हनुमान निकल गए जो अखिलेश की हर हाल में हिफाजत करते रहे। पिछले 9 साल से वो अखिलेश यादव के साथ परछाई बनकर उनका बचाव कर रहे हैं। करीब 60 साल के राजेंद्र चौधरी ने शादी नहीं की। 1992 में जब मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई, उसी वक्त राजेंद्र चौधरी उनके साथ जुड़े। फिर 24 साल तक मुलायम सिंह यादव ने चौधरी को अपना राइट हैंड बनाकर रखा। 2012 में समाजवादी पार्टी में अखिलेश का दौर शुरू हुआ तो राजेंद्र चौधरी अखिलेश के संरक्षक बन गए। बेदाग छवि और बेहतर तजुर्बा उन्हें सबसे सच्चा समाजवादी बना देता है। इस लिस्ट में आखिरी नाम है अभिषेक मिश्रा का। कहते हैं मुलायम सिंह के दौर में अगर अमर सिंह थे तो अखिलेश के दौर में अभिषेक मिश्रा हैं। वो समाजवादी पार्टी के नए अमर सिंह माने जाते हैं। अमर सिंह जब पार्टी से बाहर निकाले गए तो लोगों को लगा कि उनकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े घरानों को कौन पार्टी में लाएगा? जवाब मिल गया अभिषेक मिश्रा के तौर पर। अखिलेश यादव ने अभिषेक मिश्रा को पार्टी में लाकर अमर सिंह की कमी पूरी कर दी। समाजवादी पार्टी में आने से पहले अभिषेक मिश्रा IIM के प्रोफेसर थे। थोड़े मुश्किल और बेवकूफी भरा फैसला लग रहा था कि कोई IIM की नौकरी छोड़कर क्यों किसी ऐसी पार्टी में आएगा जो सरकार में लौटेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन अभिषेक मिश्रा ने ऐसा ही किया और अखिलेश से दोस्ती की वजह से उन्होंने ये कदम बढ़ाया। उन्होंने न सिर्फ पार्टी ज्वाइन की बल्कि सपा के लिए विधायकी की सीट भी जीत ली। देखते देखते वो सरकार के बड़े से बड़े फैसलों के सूत्रधार बन गए और अमर सिंह के जाने के बाद खाली जगह को भर दिया। अखिलेश की यही टीम उन्हें 2022 में फिर से लखनऊ के तख्त पर बैठाने के लिए काम पर जुट गई है। इस टीम पर अखिलेश यादव आंख बंद करके भरोसा करते हैं, यानी ये महज टीम नहीं, अखिलेश के आंख और कान भी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।